अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज का टॉपिक है बीजीय व्यंजक का गुणनखंड, गुणांक और पद का घात। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गुणनखंड देखना है, यानी कि गुणनखंड कैसे करते हैं बीजीय व्यंजक का। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हमें ये देखना है कि 4x इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अंक का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2, और साथ में x ऐसे लिख देंगे, यानी कि 4x का जो गुणनखंड हुआ 2 × 2 × x। फिर यहाँ पे 2xyz इसका गुणनखंड करें तो कितना होगा, 2 × x × y × z, ये इसका गुणनखंड हुआ। फिर अगर बात करें 4x²y, इसका गुणनखंड कितना होगा, 2 × 2x × x × y, ये इसका गुणनखंड हुआ, ठीक है। अब -2xy, इसका गुणनखंड की बात करें तो यहाँ पे -2 × x × y, ये इसका गुणनखंड हो सकता है। इसका दूसरा गुणनखंड ये भी हो सकता है, 2 × -x × y। तीसरा गुणनखंड यह भी हो सकता है, गुणनखंड 2 × x × -y, ठीक है। तो गुणनखंड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम गुणांक की ओर चलते हैं। गुणनखंड जब क्लियर हो गया होगा तो गुणांक भी पूरा क्लियर से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे गुणांक, ठीक है, यहाँ पे गुणांक जानना है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे गुणांक हमको लिखना है, यहाँ पे कहा 4x²y में, है ना, 4 का गुणांक, ठीक है, फिर x² का गुणांक, ठीक, y का गुणांक, ऐसा सवाल हो सकता है, ठीक है। हमको सबसे पहले क्या कहा है, 4 का गुणांक, तो इसका गुणांक लिखने के लिए ना सिंपल है, 4 का गुणांक कह रहा है तो 4 को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा यानी कि x²y, तो ये 4 का गुणांक x²y हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कहा है तो x² को छोड़ देंगे, और उसके अलावा बचेगा क्या, 4 और y, तो यहाँ पे 4y लिखेंगे, तो यही 4y क्या होगा, x² का गुणांक। फिर y का गुणांक कहा है तो y के अलावा जितने भी अक्षर या अंक उसमें बच गया है उन सभी को लिख देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 4x² इसका गुणांक हुआ, ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल इसी के साथ, अगर हमसे ये पूछे कि x का गुणांक कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है। सबसे पहले इसको देखिए क्या होगा, इसको अगर हम गुणनखंड करें 4x²y का तो कितना होगा, 2 × 2 x × x × y। हमसे क्या पूछा है, केवल x का गुणांक, तो x को छोड़ करके हम ये जितना बच गया है यहाँ से यहाँ तक, ये सब क्या होगा, गुणा इसके गुणनफल कर देंगे और वही x का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 2 = 4, 4 में xy, यानी कि 4xy, यही किसका गुणांक होगा, x का गुणांक 4xy, ठीक है। चलिए फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए यहाँ पे अगला एग्जाम्पल ये है, 3x³y²z⁶, ठीक है, में 3 का गुणांक, ठीक है, y² का गुणांक, फिर z⁴ का गुणांक, इस तरह का सवाल है, तो हम कैसे इसको हल करेंगे। देखिए 3 का गुणांक पूछा है ना, तो ये सिंपल है, 3 को छोड़िए, बाकी जो बच गया वही आपका गुणांक इसका होगा, यानी कि 3 का गुणांक हो जाएगा x³
वाई टू दाई स्क्वायर और जेड टू दावर सिक्स, ठीक है। अब कहा है वाई स्क्वायर का गुणांक, तो वाई स्क्वायर कितना है, ये हो गया वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो इसको छोड़ करके क्या बच रहा है, थ्री एक्स क्यूब और जेड टू दावर सिक्स, यानी कि थ्री एक्स क्यूब जेड टू दावर सिक्स, ये हो गया वाई स्क्वायर का गुणांक। चौथा सवाल, तीसरा सवाल ये पूछा है इसमें कि जेड टू डी पावर फोर, तो यहाँ पावर कितना है सिक्स, और यहाँ पूछ रहा है किसका गुणांक फोर का, यानी कि जेड टू डी पावर फोर, तो इसमें से चार घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पावर दो बच जाएगा, ठीक है। तो जितना पावर यहाँ है उसको छोड़कर यहाँ बच कितना रहा है, दो, यानी जेड टू डी पावर दो पावर बच रहा है, यानी कि जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसका गुणांक लिखेंगे थ्री एक्स क्यूब y स्क्वायर और z स्क्वायर, यही इसका गुणांक होगा, यानी कि z टू दी पावर 4 का गुणांक थ्री एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अगर इसी में कहा जाए कि एक्स वाई जेड का गुणांक कितना होगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड यानी कि सब में से एक एक x आ गया, y आ गया, z आ गया, तो सबका पावर एक एक घट जाएगा, तो कितना इसका गुणांक हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, इसका पावर भी एक घट गया तो केवल y बचेगा, इसका पावर घट गया एक, तो x z टू दी पावर फाइव, यानी कि एक्स वाई जेड का गुणांक जो होगा एक्स सॉरी थ्री एक्स स्क्वायर वाई जेड टू दी पावर फाइव, यही इसका गुणांक होगा, ठीक है। चलिए अगला है पद का घात, पद का घात, ये पद का घात हम लोग कैसे लिखेंगे, तो चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड, अब इसमें क्या करना है, प्रत्येक पद का घात लिखना है, यानी कि टू एक्स स्क्वायर वाई का घात, ठीक है, थ्री एक्स का घात, ठीक है, फोर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड का घात, यहाँ पे घात लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे घात लिखने के लिए क्या करेंगे ना, किसी भी पद का, मान लीजिए कि इसमें इस पद का घात लिखने के लिए कह रहा है, तो इसमें अंक को छोड़ देंगे, यानी कि अंक गुणांक जो है उसको छोड़ करके जितने भी अक्षर है उन सब का पावर जोड़ देंगे, वही उस पद का गुणांक कहलाएगा, सॉरी वही उस पद का घात कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का घात कितना है, दो, और इसका घात कितना है, एक, इसका घात हो गया तीन, ठीक है। इसमें अक्षर एक ही है यानी कि x है, इसका घात कितना होगा, एक है, तो एक ही हो जाएगा। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका घात लिखना है, तो क्या करेंगे, इसका पावर दो है, इसका पावर तीन है, इसका पावर एक है, तीनों को जोड़ देना है और जो आएगा वही इसका घात कहलाएगा, तीन दो पाँच और एक छ, यानी कि इसका घात हो जाएगा कितना, छ, ठीक है। मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल, कहा टू एक्स सॉरी कहा सेवन एक्स टू द पावर सिक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर ए बी सी, इसका घात कहा लिखने के लिए, का घात, तो क्या होगा घात, यहाँ पे सीधा पावर जोड़ देना है, कितना है, छ तीन नौ, नौ दो ग्यारह, इसका पावर एक, इसका भी पावर एक, इसका भी पावर एक, तो यहाँ पे छ तीन नौ दो ग्यारह बारह, एक तेरह एक चौदह, यानी इसका पावर घात जो होगा तो चौदह होगा, ठीक है। चलिए आशा है कि समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो लाइक करें, शेयर करें।